खुद ये ऑब्जर्व किया गया कि इस केस में अभी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि कुछ मामला तो है नहीं। अब इधर उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ जोड़ के कोई झूठा केस बना रखा है। तो आज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्येंद्र जैन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए उनके इतने सारे दिन खराब करने के लिए। और सिर्फ सत्येंद्र जैन जी से नहीं, आज मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के जेल में जाने से सरकारी अस्पतालों में जो काम इतनी तेज़ी से चल रहा था उसका नुकसान हुआ है। सत्येंद्र जैन जी के जाने से मोहल्ला क्लिनिक में जो काम चल रहे थे उनका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मुझको जेल में डाला झूठे आरोप लगा के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला। और सब चीज़ों में, सब इन सब मामलों में एक चीज़ कॉमन है, किसी के यहाँ से कुछ नहीं निकला, सिर्फ झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उनकी वजह से उनकी ईडी ने पकड़ के लोगों को जेल में डाला। मुझको भी झूठे आरोपों में डाला, मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल के रखा इतने लंबे समय तक। केवल एक ही मकसद था, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी काम रोकने का षड्यंत्र करती है। आपने देख लिया कि पिछले एक डेढ़ साल में हम सबको जेल में डाल के इनकी मंशा किस तरह से काम रोकने की थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, उसके पहले संजय सिंह जी, मैं बाहर आ गए थे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। सब काम अब बहुत तेज़ी से होंगे और दिल्ली के काम बहुत अच्छे से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेने जाएंगे। सत्येंद्र जैन जी हमारे सबके हीरो हैं, हम सबके नहीं पूरी दिल्ली के हीरो हैं। हेल्थ सिस्टम को देखें तो पूरे देश के हीरो हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको लेने जाना बनता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों डाला सबको जेल में, सिर्फ इसलिए ना कि मैं, सत्येंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक के बाद एक हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बिजली के सिस्टम में, पानी के सिस्टम में काम कर रहे थे, उन कामों को रोकना इनका मकसद था। कुछ समय के लिए काम रोके, लेकिन इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं।